तो बच्चों आज हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। यूनिट का मतलब क्या है और क्यों सिग्निफिकेंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे को इस पेन को बताना है कि ये पेन कितना लंबा है ना, किसी को बताना है, तो क्या करेगा? पहले क्या होता था, लोग ऐसे मेजर कर लेते थे कि भाई ये इतना लंबा है, इतने हाथ जितना लंबा है। ऑब्वियसली किसी को बताना है तो ऐसे थोड़ी लेके चलता रहूंगा, भाई इतना लंबा है तुम विजुलाइज कर लो इतना लंबा है ना। वी नीड टू मेजर दिस थिंग, कहीं बीच में गए तो ऐसे ऐसे हो गया तो गलत उसको पता चल जाएगा, है ना। तो हमको ये समझ में आया कि इसको हमको मेजर करना पड़ेगा। अब मेजर करने के लिए हमने एक चीज डिफाइन करी, दैट इज यूनिट। यूनिट इज समथिंग विच हेल्प्स अस इन मेजरिंग समथिंग। किसी को मेजर करने के लिए यूनिट जरूरी होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ की यूनिट होती है एसआई यूनिट, दैट इज कॉल्ड मीटर। तो फिजिक्स कम्युनिटी ने क्या बोला, फिजिक्स कम्युनिटी ने ये बोला कि भाई हम एक काम करते हैं, ये पेन है, ये इंटरनेशनल पेन है, इसको हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि इसकी जो लेंथ है दैट इज डिफाइंड एज मीटर। तो ये डिफाइन हो गया कि दिस इज मीटर। अब किसी भी चीज को आप मेजर करना है आपको, तो आप उसको मीटर के टर्म्स में डिफाइन करो। जैसे इस पेन को मेजर करना है, लेट से दिस इज 0.5 मीटर, तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ है दैट इज हाफ द टाइम्स व्हाट वी हैव डिफाइंड अर्लियर एज 1 मीटर, है ना। तो यूनिट इज समथिंग विच हैज अ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। जैसे इसका लेंथ एक ये हमने डिफाइन कर दिया कि इतनी जो लंबाई है दिस इज 1 मीटर, है ना। अब इसका कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड है 1 मीटर और ये हेल्प करती है किसी भी चीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। दैट थिंग इज कॉल्ड यूनिट। थैंक यू सो मच।